तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो भाई अपने हेलमेट की अनबॉक्सिंग हो रही है, आइए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा वाला हेलमेट लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक राइडिंग हेलमेट लेने करोल बाग जा रहा हूँ और मैं अभी आ गया हूँ गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर। ठीक है, वैसे तो मेरे पास में हाफ फेसिंग हेलमेट है, लेकिन उसमें गोप्रो नहीं लग पाता है। और जब भी मैं किसी भी ब्रांड की बाइक का राइड रिव्यू करता हूँ तो उसमें डीलर जो हैं वो मुझे अपना हेलमेट प्रोवाइड करा देते हैं। भाई उनकी भी बात ठीक है कि जो हेलमेट रहता है वो हीरो का या फिर होंडा का रहता है तो उसमें एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब जो हेलमेट होता है उसका वेट जो होता है लाइट होता है, यानी कि हल्का होता है। तो जब उसमें गोप्रो माउंट कर लेते हैं, माइक भी उसमें लगा लेते हैं, तो उसमें पंगा हो जाता है कि जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हेलमेट है वो नीचे की तरफ आता रहता है। तो राइड करते टाइम पर भी प्रॉब्लम होती है और रिव्यू देते टाइम पर भी प्रॉब्लम होती है। और एक और बात भी है, जब भी कोई भी ब्रांड अपना इवेंट रखते हैं, ठीक है, तो उनमें वो बोलते हैं कि आप अपना हेलमेट लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर वो बाइक अपनी प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक दो बार का तो चल जाता है, लेकिन भाई जब अपना इस तरीके से काम है तो प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग, आइए चलते हैं मेट्रो से। तो भाई मैं करोल बाग पहुँच गया हूँ और एक हेलमेट शॉप पर भी आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे हेलमेट लगे हुए हैं और मैंने 4 हेलमेट सेलेक्ट किए हैं, इनमें से मैं दिखाता हूँ और उनमें भी मैं कन्फ्यूज हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ये रहे 4, एक ये वाइट कलर में, एक ये, ये और ये। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये वाला लेटेस्ट है और ये वाला जो है वो कम लोगों पर देखने को मिलता है। वैसे ये वाले जो लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, ये कॉमन हो गए हैं, ज़्यादातर लोगों के पास मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनमें भी मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर रखा है। ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये वाला लेटेस्ट है और ये वाला थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर लोगों के पास ये नहीं है। तो देखता हूँ कौन सा मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आपको इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नंबरिंग करता हूँ, 1st 2nd, इन दोनों में से 1st 2nd कोई भी हो सकता है, ये 3rd पर है, ये 4th पर है। एक ही फ्रेम में दिखाता हूँ, ये देखिए, अब बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो भाई जो मैं आपको 4 हेलमेट्स दिखा रहा था, ठीक है, उनमें से मैंने एक भी नहीं लिया, मैंने वहाँ पर रेट लिए, ठीक है। यार भाई इतना महंगा, 4500 का लास्ट लगाया था उन्होंने, ठीक है, बताए तो मुझे 4990 का बताया था, यानी कि 5000 का बताया था, कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे थे। और फिर फाइनली उन्होंने जब मैं चला तो लगाया उन्होंने 4500 लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरा मन नहीं माना कि यार काफ़ी महंगा लग रहा है, वहाँ से निकला मैं, ठीक है। फिर मैं गया दूसरी शॉप पर, यार सेम हेलमेट, ठीक है, प्राइस का डिफरेंस सीधे सीधे 500 का आ रहा था, ठीक है। और फिर मैंने रेफरेंस भी दिया और फिर फाइनली मुझे जो मैंने अभी हेलमेट लिया है ये मुझे 3700 का पड़ा है। वही समझो यार, 4500 है, 3700, सीधे सीधे 800 रुपये का डिफरेंस, यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि मैंने कौन सा हेलमेट लिया। तो भाई फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं और मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया। यार मुझसे ना जीन्स जींस में नहीं रह जाता, ठीक है, वही यही अच्छा लगता है, लोअर टी शर्ट। और ये रहा अपना हेलमेट, आइए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा वाला हेलमेट लिया है। तो ये है इसका बॉक्स और ये कुछ एक्सेसरीज इसके ऊपर ही रखी हुई है। फटाफट इसको अनबॉक्स कर ले। ओ भाई आराम से यार, फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ बाहर। ओके आ जाओ भाई, भाई ये कहाँ से दिक्कत होती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके इसमें क्या है, कुछ और भी एक्सेसरीज हैं, इसके स्पॉयलर्स हैं और इसका बिल पड़ा हुआ है, बिल को मैं इसी में ही डाल देता हूँ, इसको रखता हूँ साइड में। ये देखिए सबसे प्यारी चीज़ मुझे इसमें लगी है, इसका कैरिंग केस भाई लाजवाब है एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्रीमियम है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने एक्सोर हेलमेट को मेंशन किया है, ये इसको मैं
अनबॉक्स करता हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन करता हूँ। तो भाई अपने हेलमेट की अनबॉक्सिंग हो रही है, मुंह दिखाई, ये देखिए ये लिया है मैंने एक्सोर का, सीरीज़ में आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। ये देखिए विविड सीरीज़ का है और 1600 ग्राम का है और एपेक्स हेलमेट और ये सर्टिफाइड है, डॉट सर्टिफाइड है, ECE सर्टिफाइड है और ISI सर्टिफाइड है, ठीक है। और ये देखिए स्पोर्ट सीरीज़ का है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने क्यों और लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिमिटेड एडिशन, बहुत कम ही है ऐसे हेलमेट जो कि इस तरीके के मिलेंगे, ये लिमिटेड एडिशन है। मैं ये चाह रहा था कि मुझे ऐसा हेलमेट मिले जो कि बहुत ही रेयर हो, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर लोगों पर मिल जाएंगे, लेकिन चलो ठीक है जैसा भी है। यहाँ पर ये बड़ा वाला स्पॉइलर अभी लगा हुआ है, छोटे छोटे स्पॉइलर और भी मिले हैं, ठीक है ये भी लगा सकता हूँ मैं। और अब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर स्पोर्ट सीरीज़ को लिखा है, यहाँ पर एरोडायनेमिक डिज़ाइन लिखा है, एग्जॉर को यहाँ पर मेंशन किया है, फाइनल QC1 पास्ट। अब अंदर की साइड में आपको दिखाता हूँ, ठीक है ये देखिए, इसको डी रिंग हेलमेट बोलते हैं, डबल रिंग वाला होता है ये, ठीक है। एग्जॉर हेलमेट को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये वाले हेलमेट ज़्यादा सेफ माने जाते हैं डी रिंग वाले, एम साइज में मैंने लिया है। इसका चिन कवर, इसके पैड्स वगैरह, ठीक है ये देखिए यहाँ पर एग्जॉर को मेंशन किया है। इसकी क्वालिटी की अगर बात की जाए अंदर से तो मुझे ठीक लग रही है, ठीक है यार क्वालिटी इसकी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी निकल जाती हैं, ठीक है बढ़िया है कुल मिला के। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं ये देखिए, और इसी में ही ये भी लगा हुआ है क्या, एंटी फॉग वाला, ये देखिए ठीक है। और इसमें ये सन वाइज़र भी लगा हुआ है जो कि यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यार। तो भाई ये हेलमेट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए सभी साइड से मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, इसको यहाँ से ये देखिए ना गजब, और ये ऐसे, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।